Sapra dire ciao. Saprà dire ciao. Ovviamente. Fai anche morire. Ah. Namaskar. बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है और आपके सामने ये देखिए जीरो शिक्षक लोग आए हुए हैं और कहीं ना एक कहीं जातीय जनगणना में हर किसी के दरवाजे पे पूरे बिहार में जो 13 करोड़ की आबादी है हर जगह कहीं ना कहीं शिक्षक आपके भी दरवाजे पे जाएंगे। हमें लगा कि अपने चैनल के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए ताकि आपके भी दरवाजे पे कोई शिक्षक जाए तो किसी तरह की आपको कोई परेशानी ना हो। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन, हमने कहीं ना कहीं मास्टर साहब के परमिशन से ये वीडियो बनाने का कार्य किया कि कुछ पूछा जाए, कुछ चीज देखा जाए जो कि हो रहा है कि जातीय कोड भी आ चुका है। हर किसी का अपना अपना कोड आ चुका है, हर किसी अपने अपने कोड से वाकिफ हो गए होंगे, पहले ही जो सूची जारी हो चुकी है और इसमें बहुत सारा कॉलम है, बहुत सारा इसमें चीज है, कितनी जमीन है, कितना इनकम है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है और सब कुछ कहीं ना कहीं इसमें बताने का काम किया गया। और इसमें कहीं ना कहीं भी कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना से कुछ लोगों को तकलीफ है। खैर वो राजनीतिक मंच है, उस पर नहीं हम जाएंगे, लेकिन जो चीजें हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भरा जा रहा है और हमारे ही घर पे ये भरा जा रहा है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से। मैडम आप कितना पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई आपका कितना? तो देख सकते हैं सारा प्रक्रिया जो है लिखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि मतलब गार्जियन जो है, फैमिली मेंबर जो है, वो क्या क्या करते हैं, फैमिली में लोग हैं वो क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ, आधार नंबर जो है वो अनिवार्य स्वेच्छा से, मतलब है कोई दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब थोड़ा सा हम व्हाट्सएप से जानने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें लग रही है? सबसे पहले तो परिवार का जो प्रधान है, जो गांव में अवेलेबल है, या पति हो, पत्नी हो, या कोई उसका पुत्र हो, उसको प्रधान बना करके बाकी फैमिली का डिटेल्स, जैसे शैक्षणिक योग्यता, एज, लिंग, धर्म, जाति, कार्यकलाप और का कौन सा कार्य करते हैं, सबका अलग अलग कोडिंग है, प्लस आवासीय स्थिति, एक कमरा है या दो कमरा से ज्यादा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है। कार्यकलाप के बारे में मोस्टली पूछना है कि कौन से कार्य करते हैं, सबका अलग अलग कोडिंग है। प्लस हमारे बिहार के बहुत आधे आबादी तो दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाती है, तो उसके बारे में भी एक अलग से कॉलम बनाया गया है कि अस्थायी रूप से इस फैमिली में कितने लोग राज्य से बाहर शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए रहते हैं, उनका बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है। प्लस कंप्यूटर घर में उपलब्ध है, नेट के साथ है कि नहीं है। प्लस मोटर टू व्हीलर फोर व्हीलर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेनी है। कृषि भूमि कितना है, उसका अलग अलग कोडिंग है, वो हम लोग डिसमिल में एकड़ में बदल करके उसका कोड डालते हैं। प्लस आवासीय भूमि, जिस घर में परिवार रहता है वो कितनी भूमि पर अवस्थित है, उसका इंफॉर्मेशन लेना है। प्लस लास्ट में जो कॉलम है 17 नंबर कॉलम, वो इनकम के बारे में कोडिंग करना है कि जो आदमी कौन सा वर्क कर रहा है उसके हिसाब से उसका सैलरी कितना है, सैलरी के हिसाब से कोडिंग करना है। तो कुल मिलाकर के काम बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, लेकिन समय बहुत लग रहा है हम लोगों को। और हमारे वीडियो साहब के माने आदेशानुसार कि ओरिजिनल पेपर पर व्हाइटनर नहीं लगाना है, जिसकी वजह से हम लोग पहले रफ करते हैं, क्योंकि गांव है, गांव में बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, बहुत सारे पूछने पर सही से इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग पहले रफ का काम करते हैं, उसके बाद से इत्मीनान से घर जाकर इसको हम लोग ओरिजिनल पेपर पर चढ़ाते हैं। और उसके बाद से मोबाइल से हम लोग ऑनलाइन का कार्य करते हैं। अभी देखिए मोबाइल से ऑनलाइन का हमारे पर्यवेक्षक महोदय एकदम सिर पर चढ़े हुए हैं कि आज कल तक फाइनल हो जाना चाहिए, लेकिन नेट के प्रॉब्लम की वजह से कल से, कल हम 12 बजे रात तक ट्राई किए, मोबाइल कार्य नहीं कर रहा था। अभी मॉर्निंग में मैंने 6 बजे ट्राई किया, कार्य नहीं कर रहा था। अभी मैंने खोल कर देखा है तो अभी काम कर रहा है, लेकिन मैं ऑफलाइन काम करने में व्यस्त हूँ, तो ऑनलाइन अभी कैसे करूंगा, फिर शाम को मुझे समय मिलेगा तो मैं ऑनलाइन करूंगा, यही सब समस्याएं हैं। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सबमिट करना है? जी,
दोनों जी गवर्नमेंट के पास जी जी। अच्छा ऑनलाइन में ज्यादा मतलब सहूलियत है या फिर ऑफलाइन में आप लोगों को सहूलियत? इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, मान लीजिए कि 17 इन्फॉर्मेशन एक मेंबर्स में है, अगर किसी फैमिली में 10 गो मेंबर्स है तो 17 से 10 से गुणा कीजिए कितना हो गया, इतना सारा बॉटम दबाना है मोबाइल का। तो ऑनलाइन भी ठीक है क्योंकि जो मोबाइल चलाने वाले यंग लोग हैं तो उनके लिए ऑनलाइन करना आसान है, ऑफलाइन से ऑनलाइन आसान है, और ऑफलाइन भी ठीक ठाक है, कोई समय लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बिटू सर से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सर जो ये चल रहा है और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट टीचर को या फिर आप लोग अर्ध सरकारी हैं, जिस प्रकार शिक्षा मित्र के लोगों को इसमें लगाया गया है, तो इससे शिक्षा प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिक्षा तो प्रभावित हो रहा है मगर सरकार का आदेश है तो उसका जो है पालन हम लोगों को करना है क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मी है, उसके अनुसार हम लोगों को काम करना है और हमारे ऊंचे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि आप लोग को जातिगत जनगणना जो है करना है। अच्छा इसमें कोई टाइम निर्धारित है आप लोग का कब से कब करना है? टाइम जो है 15 अप्रैल से शुरू है, 15 मई को लास्ट कर देना। नहीं ड्यूटी टाइमिंग इसका है, जाति ड्यूटी टाइम जैसे स्कूल जाना है 9 से नहीं 6:30 से जो है स्कूल मॉर्निंग वाला में मॉर्निंग में जाना है, आपको चेतना सत्र का कार्य करा देना है, चेतना सत्र के काम के बाद उसके बाद से 1-2 घंटे कर लेना है, उसके बाद फील्ड में निकल जाना है और फील्ड में फिर शाम फील्ड में करके आपको फिर उसको सबमिट करना है, जो प्रपत्र पर भर रहे हैं उसको फिर आपको ऑनलाइन करना है और प्रतिदिन का जो है डेटा देना है कि आप कितना घर किए हैं, कितना ऑनलाइन किए, कितना प्रपत्र पर किए, ये अपने कुछ अधिकारी किसके पास, किसके पास मतलब ये जाएगा पर्यवेक्षक के पास, चैनल बना रहे और पर्यवेक्षक देंगे वीडियो साहब को, वीडियो साहब देंगे आपको वहाँ जिला डीएम साहब को, यही प्रक्रिया लागू। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टीचरों को किस प्रकार से बकरी का जनगणना करना हो, गाय का करना हो, भैंस का करना हो या फिर आदमी का करना हो, इन्हीं लोगों को करना है, इन लोगों को बच्चों को भी पढ़ाना है। अब सोचिए इस हालात में बिहार के बच्चे का भविष्य कभी भला होगा? ये इनकी दोष नहीं है, ये गवर्नमेंट की दोष है। और ऐसे हालात में कभी मतलब लगता है आपको कि वो लड़का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टीचर स्कूल से पढ़ के IAS IPS IFS IRS या फिर IIT JEE मेंस क्वालिफाई कर पाएगा? जी नहीं, क्योंकि 6:30 में स्कूल मॉर्निंग शुरू हो जाता है, 6:30 से 10:30 तक टाइमिंग है और उस स्थिति में इन लोगों को जाना है फिर स्कूल में अपना ड्यूटी दिखा करके और उसके बाद फिर फील्ड में निकलना है, इतनी धूप है, गर्मी का मौसम है और हर घर दरवाजे तक जाना है, जानकारी इकट्ठी करनी है, जैसे सर बता रहे हैं कम से कम 10-17 जानकारियां लेनी है एक फैमिली मेंबर में, 17 कॉलम है जिसमें जानकारी लेना है। अब सोचिए उस स्थिति में, उस परिस्थिति में किस प्रकार से भला हो रहा है। अब मुझे लगता है कि स्कूल के जो सारे शिक्षक बाहर हैं फील्ड में ही हैं? नहीं, हमारे विद्यालय में 2 आदमी स्कूल में है, बाकी लोग सबका ड्यूटी हाँ फील्ड में है। और जिस स्कूल से ये आते हैं वो स्कूल कहीं ना कहीं मैट्रिक है, 10th तक है, 2 टीचर प्लस 2 हो गया है। एडमिशन का नाम काम चल रहा है, टीसी काटने का काम चल रहा है, 9th में एडमिशन का काम चल रहा है, 8वां वालों का टीसी काट कर देना है और उसी और 1-8 में नया एडमिशन, चूंकि नया सत्र चालू हुआ है ना अप्रैल से तो उसके लिए नया एडमिशन, गार्जियंस आ रहे हैं स्कूल में और हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या भी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो थोड़ा हो ही रहा है, प्रभावित हो रहा है, सुन सकते हैं तो स्थिति है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसको अलग से करना चाहिए, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को रख करके करवाना चाहिए ताकि इस चीज में कहीं ना कहीं शिक्षक प्रभाव से जो स्कूल है वो प्रभावित ना पड़े और शिक्षक भी इसमें प्रभावित ना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का आदेश है, गवर्नमेंट के ये लोग कहीं ना कहीं काम करने वाले लोग हैं तो जाहिर सी बात है जैसा आदेश होगा उस हिसाब से ये लोग काम करेंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको 17 कॉलम है, जैसे कि मैं आपको ओरिजिनल वाला दिखा दूं, यही वाला है और ये जैसा कि सर बताए जे फिलहाल ये लोग रफ कर रहे हैं ना सर जी जी और बाद में उसको ओरिजिनल पे प्रपत्र ओरिजिनल पे किया जाएगा, यानी कि दिखा आज सेम डेट में हम शाम को क्योंकि 6:30 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल टाइम है और इस पीरियड में स्कूल जा करके 1-2 घंटे कर करके और फील्ड में जा करके सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के ऑनलाइन करना संभव नहीं है तो 12:30 के बाद भी हम लोग समय देना पड़ रहा है और घर पर तो हम लोग 12 बजे रात तक काम करते हैं इसको ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन अब सोचिए कि कितना मतलब हार्ड वर्क है और लोग बोलते हैं कि मास्टर साहब लोग कितना आराम है, अब देखिए इतना हार्ड वर्क है, 12 बजे रात तक जगना है, फिर सुबह कहीं ना कहीं
6:30 में स्कूल भी आ जाना है। सोचिए इतना हार्ड वर्क है और एक महीने तक ये प्रक्रिया जो है चल रही है। एक चीज रहेगा कि अगर आपके पास जो जानकारी है, क्यों सर, वो जानकारी आप तक पूरी मतलब दिया जाए, उसमें छुपाने का बहुत सारे लोग काम करते हैं। करते हैं ना, बहुत सारे लोग कुछ छुपा देते हैं। हम लोग को आदेश है कि किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करना है, जो अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वही हम लोग को नोट करना है, तो सही से जानकारी देना भी चाहिए, छुपाना कुछ नहीं है। जो भी आपका जानकारी है, कितने फैमिली मेंबर है, कितने सारे आपकी जमीन है, कितना मकान है, क्या है, आवासीय है, गृहस्थ है, नौकरी में है, कंप्यूटर है या नहीं है, ये सारा चीज इसमें 17 कॉलम में है और सारा चीज आपको कहीं ना कहीं बता देना है। चलिए जुड़े रहिए, बने रहिए और कहीं ना कहीं कमेंट करके सुझाव दीजिए कि आपके क्षेत्र में किस तरह से जातीय जनगणना हो रहा है।